हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हरिश्चंद्र पाठी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ शुड। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ शुड। फ्रेंड्स, शुड एक मॉडल है। यस, शुड एक मॉडल है और सभी मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि शुड के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी शुड के साथ हैव, शुड हैव का आप यूज कर रहे हो, तब वहां पर आपको शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, वर्ब की बात क्लियर कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुड के साथ, लेकिन शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं कि शुड किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो फ्रेंड्स, मॉडल है, शुड आपने जाना क्या है, मॉडल है। तो मॉडल सभी तरह के सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शुड का यूज आपको किसी भी तरह के सब्जेक्ट, चाहे वो ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, दे, यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, सभी के साथ आपको शुड का यूज करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग कि शुड किस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी में अगर बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए। यस फ्रेंड्स, जिसके लास्ट में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। इन सभी तमाम सेंटेंसेस के साथ में आपको शुड का यूज करना है फ्रेंड्स। और आपको ध्यान रखना है कि वो सभी सेंटेंस जिसमें सलाह लेने या सलाह देने की बातें की जा रही हो, उसमें आपको यूज करना है शुड। यस फ्रेंड्स, तो कुछ एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड बीन, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन सभी सेंटेंसेस की यूज को हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शुड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया सभी तरह के सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको शुड का यूज करना है और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए, दैट मीन सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, मुझे मुझे सच बोलना चाहिए। आई शुड, एस एच ओ यू एल डी, आई शुड स्पीक, एस पी ई ए के, स्पीक ट्रुथ, टी आर यू टी एच, मुझे सच बोलना चाहिए। यस फ्रेंड्स, आई शुड, मुझे चाहिए स्पीक ट्रुथ, सच बोलना। आपको सच बोलना चाहिए फ्रेंड्स, यू शुड, यहाँ पर हम चेंज करेंगे, यू शुड स्पीक ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए फ्रेंड्स, ही शुड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, यानी शुड के साथ किसी भी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, यानी हर सब्जेक्ट के साथ शुड का यूज आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसे नाचना चाहिए, ही शुड डांस, उसे खाना खाना चाहिए, ही शुड ईट फूड। फ्रेंड्स, उसे पूजा करना चाहिए, तो ही शुड वर्शिप, हमें पूजा करना चाहिए, वी शुड वर्शिप। ओके फ्रेंड्स, यानी आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ शुड का यूज करना है और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई नो, मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब शुड बी। इसका भी यूज सेम शुड की तरह, बस सेंस है शुड बी, यानी होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। फ्रेंड्स, में एक्शन नहीं होगा क्योंकि आपको होना चाहिए, करना नहीं कुछ, होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए, यानी यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको अमीर होना चाहिए, यू शुड बी रिच, उसे गरीब होना चाहिए, ही शुड बी पुअर, मुझे ईमानदार होना चाहिए, आई शुड बी ऑनेस्ट, उसे बेईमान होना चाहिए, ही शुड बी डिसऑनेस्ट, उसे बेईमान नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ही शुड बी नॉट, ही शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। यस फ्रेंड्स, ही शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। इस तरह से हमें होना चाहिए के सेंस में यूज करना है शुड बी। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, शुड हैव। यस फ्रेंड्स, शुड हैव यानी पास होना चाहिए, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यहां भी एक्शन की बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पास होना चाहिए। अब क्या पास होना चाहिए फ्रेंड्स? यस,
यस फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव कार। आपके पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, आई शुड हैव नॉलेज। यस फ्रेंड्स, यानी किसी चीज का होना, कोई चीज होनी चाहिए आपके पास, हमारे पास, उसके पास, तब आपको यूज करना है शुड हैव। यस फ्रेंड्स, शुड हैव। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट यानी होना चाहिए, अब यहां से शुड हैव होना चाहिए, यहाँ पर शुड हैव बीन यानी होना चाहिए था, होना चाहिए था फ्रेंड्स। यस, होना चाहिए था, कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए थी बट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, होना चाहिए थी, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैंने कहा उसे शिक्षित होना चाहिए था, पढ़ा लिखा होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन लिटरेट। ही शुड हैव बीन लिटरेट, उसे शिक्षित होना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, उसे अमीर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रिच। हमें ईमानदार होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स समझ रहे हैं, होना चाहिए था पर उस समय शायद हमने ऐसा बिहेव नहीं किया, ऐसा नहीं थे हम, इस वजह से हम ऐसे सेंस बोलते कि उसे ईमानदार होना चाहिए था, नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो जब ऐसे सेंस देना है कि ऐसे ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए लेकिन थे नहीं, तब आपको शुड हैव बीन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका भी मीन्स होता है फ्रेंड्स होना चाहिए था बट फ्रेंड्स इसमें एक्शन, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई काम आपको कर लेना चाहिए था पर आपने किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे अमेरिका जाना चाहिए था पर मैं गया नहीं, आई शुड हैव गॉन। यस फ्रेंड, शुड हैव के साथ अगर वर्ब लगाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस फ्रेंड्स, आई शुड हैव गॉन टू अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना चाहिए था बट मैं गया नहीं। यानी ऐसे एक्शंस को, ऐसे काम को एक्सप्रेस करना है जो होने चाहिए थे पर हुए नहीं, उसके लिए आप यूज करना है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।